अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे क्या है तुम्हें अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? अरे हम लोग जरूरत के लिए नहीं, अखबार में क्या जानकारी मिलती है उसके लिए पढ़ते हैं। ए पागल, ये तो क्या कर रही है? इधर से उधर, इधर से उधर, ये चक्कर मार रही है तू? ये घाणी ना बलद नहीं जैम, तुझे भी अखबार चाहिए क्या? नहीं बाप, मुझे कोई अखबार नहीं चाहिए, मेरे पास तो वो खबर है जो अखबार में भी नहीं है। चंपा, मैंने तुझे कब से बोल रखा है कि नंदिनी और कृष्णा का नाश्ता तैयार कर, अभी तक किया क्यों नहीं? और मेरा तुलसी का पानी लाई कि नहीं अब तक? हाँ बाप, सबने कुछ ना कुछ कहा है। क्या बात क्या है? हाँ बा, रसोड़े में। हाँ जाना रसोड़े में। कैसे जाऊँ कद्दू बहन? जैसे रोज जाती है चंपा, पर रोज की बात अलग होती है। आज मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है रसोड़े में जाने से? क्यों, वहाँ कोई भूत प्रेत है क्या? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है रसोड़े में मालिक है और वो चाय बना रहे हैं। क्या, तूने ठीक से देखा है ना, गरम राजी था ना? हाँ बा, मैंने ही उनको सारा सामान दिया और उन्होंने मुझसे कहा तू जा, मैं चाय बना लूंगा। चमत्कार को नमस्कार। आज की ये सबसे अच्छी और नई खबर। हाँ नाना जी, ब्रेकिंग न्यूज, आज डैड चाय बना रहे हैं। हे खोड़ियार माँ, चाय कैसी बनेगी? को भोग चढ़ाना है, कुड़ियर माँ को ये भोग चढ़ाना है कुएं में जाके, अब क्या होगा? तो केवीच है यार, कल रात को ही तुझे बात बोली ना, भूल गई आज? याद से ना बोला था मैंने अपने लिए जी, आ भले तू 8 बजे उठी पर सब घर में चाय पी चुके हैं, ने मैं तेरे लिए बना के लाया जो। ने तू देर से उठी ना तो ये सूरज पूरब से ही उगा और पश्चिम में डूबेगा। हाँ क्या चाय बनाई मैंने तेरे लिए, जो ले पी। मालिक, आपने चाय? क्यों, हर रोज तू बनाती है ना, आज मैंने विचारा कि मैं बनाऊं। क्या बोलते उसको खबर छे, पत्नी व्रता, समझी गई ना? चल चल चाय पी। तो साकर बरोबर है ना? तो साकर बिना की पीता हूँ ना, इसलिए चा? बहुत अच्छी चाय मालिक, इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक नहीं पी। आ खातरी आती, अरे मैंने बनाया ना तो सारी बने ना संतो। अरे भाई बस बस। अरे वाह, आज तो कहीं अकेले अकेले चाय पी जा रही है हा? आज तो हम भी तुम्हारे साथ पिएंगे। चाय लेना, आज तू अपने दिकरे के कप में चाय पी। हाँ? ये क्या है? ये तूने शक्कर के बाद नमक डाला है, और तू भी, ये चाय तुझे अच्छी लगी इसके लिए तू वाह कर रही है? बाप, चाय बहुत अच्छी है। क्या तू भी कमाल का पति है, पहली बार पत्नी के लिए चाय बनाता है और उसमें नमक डालता है। ले मैं हूं शू करूं, वो चंपा कली ने नमक और साकर की बोरी आजू बाजू में रखी होगी ना, तो मैंने अनुमान लगा के डाल दिया होगा। लो एक दफोड़ नमक की चाय बना के लाए और दूसरी दफो वो चाय नमक की पी गई। नहीं बाप, अब चाय चाय सच में अच्छी बनी है। लो सुना था,
कि प्यार अंधा होता है, लूला लंगड़ा होता है, वो पता नहीं था। ए बाजो, तो मेरी धर्म पत्नी को भड़का मत हो। हाँ। क्या अंधी बेरी लूली लंगड़ी है? ते बोला ना चा अच्छी है, अच्छी है बस। अरे चल ये बात जाने दे सब, अभी चल तू नीचे चल मेरे साथ रसोड़े में, मुझे जो भोग का खीर बनानी है ना। हाँ। और मैं चाहती हूँ तू ही बना ले, चल तू मत आ, चल संतो तू चल। ये जुट्टू क्या बोली के चाय अच्छी है, है? नहीं नहीं मालिक, चाय सच में बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि चाय में शक्कर की जगह नमक है। तेरे खबर छे कि जब पति पत्नी दोनों डफोड़ होते हैं तो क्या होता है? नहीं खबर ना? तो सुन, गृहस्थी की गाड़ी एकदम सरस चलती है। हाँ चल, चापी नमक पड़ी चल। अरे वाह, शुवात छे, आज तो मेरी बहू बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में। हाँ बापूजी, आपको तो ये साड़ी पसंद आएगी ना, बाकी जो पसंद है। तेरी बाकी पसंद तो सारे गांव की पसंद है, बहुत अच्छी लग रही है बेटे। बाप मैं रसोड़े में जाके आती हूँ। मुंगी, आज कोडियारमा का भोग लग रहा है, तुम दोपहर में खाना खाने घर ही आ जाना, आज कारखाने खाना नहीं जाएगा। ठीक है। बीबा, तुम भी आज। हाँ मैंने सुन लिया, मैं दोपहर में आ जाऊंगी। और सूरज को भी बोल देना। वो सूरज तो नहीं आएगा, उस दिन पापा के साथ जो हुआ उसके बाद उसने कहा है कि वो ऑफिस कभी नहीं आएगा। ये सब क्या है? ये तुम्हारा चाय और नाश्ता, भोग का प्रसाद तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी मैं। पता चला मुझे तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, कितना डांटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें, बहुत गलत किया। अब जब तुम ऑफिस ही नहीं जा रहे हो और ना ही नीचे आओगे, तो ऑफिस के साथ साथ उनका चेहरा तुम्हें घर में भी नहीं दिखेगा ना। अरे भला ऐसे कैसे कोई चिल्ला सकता है किसी। माना कि मालिक ने जो भी नाम कमाया अपने बलबूते पे कमाया, पर उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुमने भी इतनी पढ़ाई लिखाई की है, क्यों व्यापार के लिए किए ना, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को तो कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता। माना कि मालिक ने जो भी नाम कमाया अपने अनुभव से कमाया है, पर जब तुम्हारे पापा ने चार पुस्तकें पढ़ी नहीं है तो वो क्या जाने के किताबी ज्ञान क्या होता है। संतो माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसकी तरफ है, मेरी तरफ के पापा की तरफ? बिल्कुल तुम्हारी तरफ। अरे मालिक ऐसे कैसे कर सकते हैं? माना कि जब तुम छोटे थे चलना नहीं जानते थे, तब मालिक ने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, मैं पढ़ना लिखना सिखाया। जब तुम बोलना नहीं जानते थे तब अपनी गोदी में बैठाकर उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, पर जब तुम बोलने लगे तो उन्होंने तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। जब तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो खुद, तब उन्होंने। ये तो गलत है ना, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अच्छा किया तुमने, हमेशा गलती बच्चों की थोड़ी होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम उनसे नाराज हो गए, इसी लायक है। अरे कोई तो होना चाहिए जो उनकी गलती दिखाए। मैं समझ के आप क्या कहना चाह रही हैं। I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात कहूँ तुम्हें सूरज, मालिक तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। देखो मैं एक छोटे घर से आई हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना मैं नहीं जानती। मुंगी भी तुम्हारी तरह ही थी, बल्कि तुमसे तो कम पढ़ी लिखी थी, पर आज वो जो कुछ भी है वो मालिक और बिरवा के कारण ही है। पर तुम तो विदेश से पढ़े लिखे हो, और मुझे पूरा भरोसा है
तुम अपनी इस पढ़ाई को अपने मेहनत और अनुभव में लगाओगे, और जिस दिन तुम ऐसा करोगे ना, देखना मालिक का सिर गर्व से ऊंचा होगा। जब तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले ना, तो आगे बढ़ो, और मैं जानती हूँ कि तुम उसी का इंतजार कर रहे हो। आज तक आप मेरी माँ थी, अब आप मेरी गुरु बन गई हैं। आपने मुझे सही और गलत का फर्क बताया। चलो अब मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।